मैं 5 मिनट बाद बोल के आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि क्या चीज़ है. तो एक और चीज़ कुछ मैंने सोचा कि यार शेयर करूँगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो यार तुम लोगों को बता ही दूंगा बाद में. रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट के बाद बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई लाइफ में, खासकर इस वाले रिजल्ट के बाद. तो आई थॉट कि आई विल शेयर विद यू पीपल कि क्या क्या उसमें रहा. तो क्या होता है कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से मीडिया वालों का कॉल आना शुरू हो गया और लोगों का आना लगा. तो उनमें एक परसेप्शन है कि IAS टॉपर जो है वो एकदम बहुत एलीट बैकग्राउंड से, टॉप इंस्टीट्यूशन से, उसकी रैंक बहुत, वो परसेंटेज बहुत अच्छी. तो कुछ कुछ कन्वर्सेशन जो मेरी हुई वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको. एक फर्स्ट मुझे कॉल आया एक जर्नलिस्ट का, वो मुझसे बोलता है, वो मेरे एक फ्रेंड था, उसके कोई जानने वाला था, उसने नंबर दिया था. तो वो कॉल, मैं किसी का कॉल पिक नहीं कर रहा था उस वक्त क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे. तो उनका कॉल लकीली मैंने 2-3 उसके बाद पिक हो गया था उनका. तो वो बोलने लगे कि एक्साइटेड स्टार्टिंग में, सर थैंक यू, आपने कॉल पिक किया, बस 5 मिनट दे दो आप और मैं उसके बाद आपको वो डिस्टर्ब नहीं करूँगा. और एकदम एक्साइटेड में वो बात कर रहे थे. तो क्या हुआ, स्टार्ट पहले पूछने लगे सर आपका बैकग्राउंड क्या है, मैंने फैमिली के बारे में बताया, फिर सब कुछ बताया. फिर वो आए उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर. तो कहने लगे सर आपकी 10th में परसेंटेज कितनी थी, तो मैंने बोला सर 60% थी. वो भी एक दो ग्रेस मार्क में लेते तो उससे 60 हो गया था, 59 ही हुआ था. तो उसका थोड़ा सा एक्साइटमेंट वो है वो कम हो गया. तो बोले लगे अच्छा. फिर बोले कि 12th में कितनी थी, तो मैंने बोला सर 60 थी. तो फिर वो थोड़ा सा चुप हो गया, मैं हेलो कर रहा हूँ. तो बोले अच्छा सर. फिर ग्रेजुएशन में कितनी थी, तो ग्रेजुएशन में भी 63% थी. तो फिर उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बोले अच्छा सर लिख देते हैं. मुझे इतना वो लगा कि मतलब दे एक्सपेक्ट यू आर 90%, 80%, 85%, तभी आप वहाँ पे जाके क्रैक करोगे. अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है वाई सिविल सर्विस. अब हर एक मुझसे पूछता है कि आप सिविल सर्विस क्यों करना चाहते थे. जो भी इंटरव्यू लेने आता है वो आता है, अब यार एक तो कुछ चीज़ है तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मैं डायरेक्ट तो फ्रैंक की बात बोल नहीं सकता. अब आप लोग हो तो आप लोग उससे शेयर कर सकता हूँ. तो क्या था यार, ग्रेजुएशन के बाद फ्रैंकली ग्रेजुएशन के बाद जॉब कोई थी नहीं, ठीक है. घर वाले जो थे वो भी खुश नहीं थे. अब सिविल सर्विस ऐसा है ना कि आप बस बोल दो, घर वाले घर बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, कहेंगे नहीं तू पढ़ ले, बस सिविल सर्विस कर ले और कितना ही टाइम दे दो आप, वो एक परसेप्शन बना हुआ है. तो मैंने सोचा यार चलो कुछ नहीं, कुछ टाइम तो मिलेगा, एटलीस्ट घर वाले भी खुश हो जाएंगे, मुझे भी कुछ टाइम मिल जाएगा. तो ये रीज़न था फ्रैंकली मेरा सिविल सर्विसेज में एंटर करने का. लेकिन मैं वहाँ किसी को ये बोला नहीं यार, ये गलत इंप्रेशन जाता उसमें. लेकिन उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि जब मैंने पढ़ना शुरू करा, अगर मैं वही रीज़न से रखता तो कभी रात नहीं होता इतनी जल्दी. मैंने जब चीज़ों को पढ़ना, रीडिंग मेरी हॉबी थी आज भी. मैं कॉलेज में भी नॉन फिक्शन विक्शन पढ़ता रहता था, तो वो एक हॉबी था. तो क्या हुआ कि पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा. तो रीडिंग बिकेम माई पैशन. मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, इतना वो करा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, पहले बता दूँ, बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा वो करना इतना कोई वो नहीं है, बस मेरा पैशन था तो वो मैंने किया. उसके बाद वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, एक कंपैशनेट होना सोसाइटी को लेके, व्हाट यू कैन गिव बैक टू देम, वो चीज़ें मेरे अंदर इम्पाइप हो गई थी. उसने मुझको इतना सस्टेन किया सिविल सर्विसेज में. तो जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आई गॉट दैट व्हाई, मुझे क्यों करना है, तो मुझे वो कैसे करना है वो अपने आप चीज़ें पता चलती गई. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. अच्छा, एक और चीज़ क्या थी, इंस्पिरेशन. कि आप मुझे कॉल आते थे, कॉल आके वो बोलते हैं कि यार सर आपका इंस्पिरेशन कौन था. तो बोले सर आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्हें मसाला चाहिए. तो वो बोलते हैं सर आपके घर वाले खेती करते हैं. मैंने कहा यार नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने कंफर्टेबल लाइफ वो की है. तो बोले अच्छा. बोले कोई आप पुलिस ने आपके साथ कुछ गलत किया हो. मैंने बोला यार मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है. बोले सर तो कुछ तो होगा, हम लोग हेडलाइन क्या बनाए.
तो मैंने कहा यार ये मैं तो बहुत फ्रैंकली जो है चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप रिलेट कर सकते हो तो आप बना लो। अब फाइनली उसने क्या किया कि 60% लाने वाला UPSC में थर्ड टॉपर। यार ये ही होता है कि मतलब उनको तो स्टोरी चाहिए पेपर पे, और हर बार ये होता है सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है कोई ना कोई ऐसी स्टोरी आती है, इसने मतलब जेन्युइन भी होती है बहुत सारी, बट वो और मिर्च मसाला लगा के उनको प्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को लगता है कि मतलब उतना हार्ड वर्क चाहिए, उसके लाइफ में इतनी परेशानी होनी चाहिए, मर गया होना चाहिए तभी सिविल सर्विस निकलेगा। यार ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज स्टूडेंट, मैं तो अपने आप को एवरेज भी नहीं कंसिडर करता, क्योंकि जैसे मैंने चीज़ें देखी हैं और पढ़ाई मैंने लिटरली ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी, तो आई विल नॉट से आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज ही था, बट ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत इंटरेस्ट उसमें लेना स्टार्ट किया था। एक और चीज़ क्या हुई, कोचिंग। अब क्या हुआ कि मुझे मॉक्स दे रहे थे, तो मॉक्स में क्या हुआ कि मेरा जो इंटरव्यू था 28th को था, लास्ट डेट को, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने मॉक एक रजिस्टर करवाया, अवेलेबल नहीं था कहीं पे भी, सब खत्म हो गए थे, तो एक जगह जहाँ मैंने रजिस्टर करवाया वहाँ पे उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। अब मैं छुट्टी लेके वहाँ पे गया, वहाँ पे उनके पास गया तो उन्होंने बोला सर आपका कैंसिल हो गया है और हम मॉक नहीं ले सकते। उन्होंने कहा यार वहाँ से मैं छुट्टी लेके आया हूँ सर कुछ कर दो, नहीं, उन्होंने वापस भेज दिया। और रिजल्ट आया, पहली कॉल उनकी, बोले सर वी आर वेरी हैप्पी दैट यू क्लियर्ड, ऑल्दो वी वर नॉट एबल टू टेक योर मॉक, बट स्टिल यू आर अ वेरी गुड एसेट टू आवर इंस्टीट्यूशन, हम आपकी परमिशन लेना चाहते हैं कि हम आपका पब्लिश कर दें। मैंने वहां पर उस वक्त उतने गुस्से में था, मैंने बोला आई विल लिटरली सू यू अगर आपने मेरा फोटो लगा दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा कॉल ले लिया, बट ये रहता है चीज़ें जो रिजल्ट के बाद उसमें आती हैं। यार बोर तो नहीं हो रहा है ना, शायद कभी मतलब आप सोचो स्ट्रैटेजी वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ये मुझे लगा थोड़ी चीज़ें हैं। क्या है ना कि मेरा एक फ्रेंड है शिवम, तो उसका भी अभी 251 रैंक है, तो हमने क्या सोचा यार UPSC ना बहुत स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है, लोग परेशान हैं पढ़ पढ़ के, और पूरा राजेंद्र नगर आप अगर जाओगे वहाँ तो लिटरली इंसान हालत ख़राब हो जाएगी देखिए। तो हम लोगों ने सोचा यार हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्टार्टअप, मैं और शिवम, हम लोग पूरा UPSC की एक स्टोरी लिखेंगे और उसको लोगों तक पहुँचाएंगे, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ हंसने के वो मिल जाएंगे। तो आई एम ट्राइंग के कुछ चीज़ें आपको वो बता सकूँ। यार एक लास्ट चीज़ जो रिजल्ट के बाद रिकग्निशन। अब क्या हुआ कि अभी मैं एयरपोर्ट से भी जैसे आ रहा था, तो आई वाज सिटिंग, टाइम था थोड़ा सा, कॉफ़ी पी रहा था, तो दो तीन एक लड़की थी एक लड़का था, उन्होंने इंटरव्यू देखा होगा, डोंट नो, पता नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि हम मेरी फेमस उसमें, तो वो आके बोलने लगे सर आप योर जुनैद, तो मैंने बोला तो ऐसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हवा में उड़ने लगते हैं यार ठीक है उसमें चल रहा है। तो अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग उसमें गए एक मूवी देखने के लिए, तो एक पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी, तो वहाँ पे जो वो था वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, तो मेरा फ्रेंड उतरा बोला यार ये IAS है कुछ करो, तो उसको लगा IAS है, तो IAS इस्लामिक स्टेट IAS। तो वो एकदम से पीछे को हट गया और उसको लगा पता नहीं क्या हुआ, उससे बोला मैंने सर IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो कहने लगा वो क्या होता है सर। तब रियलाइज हुआ कि यार बस स्टूडेंट्स के बीच में है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा हवा में उड़ने की कोई वो नहीं है। लेकिन ये अच्छा पार्ट है यार, आपको रिकग्निशन मिलता है, और सबसे बेस्ट चीज़ है जो ये इंटरेक्शन स्टूडेंट से IAS का भी, मेरा जो मेन पर्पज था वो एक पीपल कनेक्ट, वो सबसे अच्छी चीज़ है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडीज ऑफ एग्जाम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसके उसमें हुई थी रिजल्ट के बाद। अब बात करें प्रिपरेशन फेज की, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो आप जाते हो, आपको लगता है मेरे साथ भी जो चीज़ें हुई
सोशल राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पता नहीं क्या क्या बन जाते हो आप, सब कुछ स्टार्टिंग में सब कुछ आज ही बदल देना है, चेंज कर देना है, और ये बुक पढ़ने लगे, वो बुक पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी पूरा 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, वहाँ पे सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मेरे साथ भी हुआ लिटरली उसमें। लकीली मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने सही ट्रैक पे मुझे डाल दिया था स्टार्टिंग से, तो इतना वो नहीं। एक स्टोरी भी है छोटी सी, क्या था कि हम लोग उसमें थे जब स्टार्टिंग में मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो हम लोग की जो मेस थी ना वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, तो वो वहाँ पे तो उसकी एज होगी 11-12, तो वहाँ में पता उस मेरा एक वो था उसको क्या चढ़ गया कि चाइल्ड लेबर है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। अब वो बेचारा आराम से वहाँ पे रहता था, अपना खुद से कुछ कुछ पढ़ता था और खाता वाता था, पैसे भी मिलते थे। हमने उसकी कंप्लेन वम्प्लेन लिख के डाल दिया कि सर ये चाइल्ड लेबर है, दिस इज नॉट राइट, और ये वो उस बेचारे को वहाँ से हटा दिया। बाद में रियलाइज हुआ कि व्हाट वी डिड कितना गलत था। वो सोशल रियलिटी जो है हमारी चीज़ों की, वो हमें बहुत मल्टीपल उसमें देखनी पड़ती है चीज़ें। इतना आसान नहीं होता कि आप ब्लैक एंड वाइट कर दो किसी भी चीज़ को कि क्या सही है क्या। दूसरी एक स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब आए थे IAS बनना है, बस एक ही वो, बाकी ना तो सर्विस पता है क्या है सिविल सर्विसेज में, बाकी IPS IRS क्या है वो कुछ नहीं पता, बस IAS बनना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो कोई भी पूछता है क्या करना है, IAS बनना है। अब एक वो फेल हुआ तो अपने आप को दिलासा देते थे यार बाकी सर्विस भी अच्छी हैं, जब बाकी सर्विस हैं वो भी अच्छी हैं, वो भी हो जाए तो अच्छा है। तो वहाँ तक था। अब क्या होता था नेक्स्ट, उसमें क्या हुआ कि फिर से मेज नहीं क्लियर हुआ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगता है जब एक तो आप फेल करते हो ना। उसके बाद भी थॉट कि यार गवर्नमेंट सर्विस कोई भी हो, RBI NABARD वो भी अच्छा होता है, उसको भी अटेंड करना चाहिए, दे देना चाहिए। तो ये सब थॉट्स आते हैं जब प्रिपरेशन में होता है। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों के साथ भी रहा होगा ये उसमें, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपना ट्रैक पे रखा। इनफैक्ट मेरा CAPF में हुआ था, मेडिकल दिया मैंने, फिजिकल दिया, उसके बाद इंटरव्यू मैंने नहीं लिया था। तो एट द टाइम लोगों ने बोला यार क्यों नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट मुझे अपना था कि काइंड ऑफ पर्सन आई एम, इफ आई गेट अ जॉब तो मैं छोड़ छाड़ के बस हाँ ठीक है चलो जॉब ले लेते हैं। बट आई डिडंट गिव इंटरव्यू क्योंकि मैं बहुत क्लियर था मुझे सिविल ही करना है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कितना भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी ऑफ थॉट ये होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेशर यार स्टार्टिंग में तो इतना प्रेशर लेने लगा था, 14 hours 15 hours इतना भी पढ़ा मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्क्रैच से आई स्टार्टेड। और क्या हुआ कि स्लीप डेफिसिट होने लगा और हेयर फॉल भी होने लगा था। तो उसके बाद मैं कुछ दिन बैठा, मैंने सोचा यार IAS होता रहेगा, बाल उड़ गए थे सब ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अब आई टेक अ प्रॉपर स्लीप और उसके बाद फिर देखेंगे जितना भी हो रहा है। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग 7-8 hours ऑफ स्लीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर चीज़ में मुझे हेल्प किया। पता है जब आप मेमोराइज करते हो ना चीज़ों को, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो वो आप रख नहीं पाते हो चीज़ों दिमाग में। तो साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ध्यान रखो, 7 hours ऑफ स्लीप तो आप लो ही लो, और उस चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें थी जो स्टार्टिंग में आई वॉन्टेड टू शेयर। अब वॉट आई डिड के मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जो मुझे लगते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा यहाँ पे कितने लोगों ने अटेम्प्ट दिया है UPSC का, कोई मतलब मेजॉरिटी है जिसने नहीं दिया है, और कितने लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं? ओके मेजॉरिटी इज इन ग्रेजुएशन, तो सेकेंड थर्ड ईयर में होंगे सब लोग। ओके तो उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप लोग के लिए भी जॉब में भी हैं। ओके तो आई टेक केयर ऑफ इट। जो उसमें है अभी ग्रेजुएशन में है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स के UPSC का कैसे क्या है, और आपके लिए भी जो चीज़ें होंगी वो आप उसमें से देख सकते हो। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो UPSC को लेके उठता है, व्हेन टू स्टार्ट,
दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि कब आपको तैयारी करनी चाहिए. एक मेरे पास कॉल आया, सेवेंथ क्लास का स्टूडेंट, मुझे कह रहा है सर मुझे बुक्स बता दीजिए जो मुझे पढ़नी है. मैंने कहा यार अपने स्कूल की बुक्स पढ़ो, ये यूपीएससी की, जब तक तुम आओगे यूपीएससी की साइकिल में तब तक पता नहीं यूपीएससी का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, वो होगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, आप जब स्कूल में होते हो या ग्रेजुएशन में होते हो तो वो जो पर्टिकुलर स्टडीज हैं आपकी उनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि वॉट आई हैव रियलाइज इज के नॉलेज इज अ प्रोसेस. आप स्टार्टिंग से लेते हो या जब भी स्टार्ट करते हो वो डेवलप होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या मेडिकल पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट रेलेवेंट टू यूपीएससी. मे बी कंटेंट इज नॉट रेलेवेंट बट द नॉलेज विच यू आर एक्वायरिंग ना, द प्रोसेस विच इज देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप हाँ यूपीएससी दिमाग में रखना चाहिए, पर ये मत सोचना कि उधर कर लेते हैं ज्यादा या यूपीएससी अभी से स्टार्ट कर लेते हैं. फोकस